चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, वेरी नाइस। सब अच्छे से रह रहे हैं, केयरफुली अपना ध्यान रख रहे हैं, वेरी नाइस। सबको हेल्दी रहना है, सेफ रहना है, और जब बाहर जाना है तो अपना ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, है ना चिल्ड्रन? तो सब अपना ध्यान रखेंगे अच्छे से, वेरी गुड। और एक्सरसाइज, सुबह उठ के नहाना, पूजा करना, बड़ों को प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग करना, सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है, फिर ब्रेकफास्ट खाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है। ओके बच्चों, तो सब अपना ध्यान रख रहे हैं ना? वेरी गुड, थम्स अप। तो बच्चों, आज पहले मैं आपको अभ्यास सिखाने से पहले कुछ अच्छे अच्छे त्योहारों के बारे में अच्छी अच्छी खास बातें बताती हूँ, ठीक है बच्चों, कि हम कौन सा त्यौहार क्यों मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले होली मनाते हैं। होली सबको पसंद है ना बच्चों? लाल, पीले, हरे, नीले, रंग बिरंगी रंग सबको अच्छे लगते हैं, है ना? तो हम होली क्यों मनाते हैं? होली का त्यौहार हमें एकता का पाठ सिखाता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना बच्चों? तो हमें होली से क्या सीख मिलती है? जैसे हम होली मिलजुल कर खेलते हैं, एक दूसरे पे रंग उड़ेलते हैं, सबको रंग लगाते हैं, तो होली एकता का प्रतीक है। होली से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें एकता से रहना है, ठीक है बच्चों? तो ये हुआ हमारा एक त्यौहार। तो हम और दूसरा त्यौहार कौन सा मनाते हैं? दूसरा त्यौहार हम मनाते हैं राखी का, जहाँ पे बहन भाई को राखी बांधती है ना बच्चों? तो भाई फिर बहन की रक्षा करता है। वैसे तो सबको एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये त्यौहार हमें ये सीख देता है कि भाई बहन की रक्षा करता है और बहनों को भी भाई की रक्षा करनी चाहिए। तो एक दूसरे के लिए हमेशा एकता के साथ खड़े रहना, एक भाई को बहन के लिए, बहन को भाई के लिए, ये हमें रक्षाबंधन का त्यौहार सिखाता है कि भाई बहन का प्यार हमेशा मजबूत होना चाहिए, है ना बच्चों? तो ये था हमारा दूसरा त्यौहार। और तीसरा त्यौहार जो हम मनाते हैं, वो हम मनाते हैं ईद का त्यौहार। तो ईद का त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है, नए नए मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और क्या करते हैं, सेवइयाँ खाते हैं। तो ईद के त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ तो सारे ही त्यौहार लाते हैं, ईद के त्यौहार में भी बहुत सारी खुशियाँ महसूस होती हैं। और ईद का त्यौहार भी हमें एकता का ही पाठ पढ़ाता है कि हमें मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो ये ईद का त्यौहार हो गया। हमारे भारत में इतने सारे त्यौहार होते हैं। अगला त्यौहार आता है दशहरे का त्यौहार। हम दशहरा क्यों मनाते हैं? उस दिन हम रावण जलाते हैं और श्री राम जी की, भगवान जी की पूजा करते हैं। तो ये दिन हमें ये सिखाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ठीक है बच्चों? तो हमेशा हमें अच्छा बनना है तो ही हम हमेशा जीतेंगे, ठीक है बच्चों? बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो ये मैसेज हमें दशहरे का त्यौहार देता है, ठीक है बच्चों? और उसके बाद अगला त्यौहार आता है दिवाली का त्यौहार, जिसमें हम कैंडल्स, दिए जलाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत घर सजाते हैं, घर की पहले साफ़ सफाई करते हैं, फिर आप लोग फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी ने रावण को मार के बुराई को ख़त्म करके उस दिन श्री राम जी अपने भाई और पत्नी सीता जी के साथ अपने घर अयोध्या वापस आए थे। तो इसी खुशी में सब लोग दिवाली मनाते हैं, है ना मज़ेदार? कितने सारे त्यौहार, है ना बच्चों? वेरी गुड। तो ये अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी, वेरी गुड। तो चलो अब आज का अभ्यास शुरू करें। तो बच्चों, ये है हमारा आज का स्वर, और यहाँ पे ये देखिए, ये दो चित्र दिए हुए हैं। ये है ऋषि, क्या है ये? ऋषि। और ये अक्षर कौन सा है? री। री से ऋषि, री से ऋषि। तो मिस के साथ बोलेंगे, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, ठीक है बच्चों? और हमारा ये स्वर है री। री से ये दूसरा चित्र है ऋषभ, री से ऋषभ, री से ऋषभ, री से ऋषभ,
री से ऋषभ। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो ये सब जगह पे बिंदुओं से लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपको पेंसिल चलाते हुए लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आज का अभ्यास। अब मैं आपको बताती हूँ कि री से और कौन से अक्षर यानी कि शब्द होते हैं जो कि स्वर री से शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला अगला जो शब्द है वो है ऋतु। तो बोलेंगे पांच बार, री से ऋतु, री से ऋतु, री से ऋतु, री से ऋतु, री से ऋतु। ऋतु मतलब अलग अलग मौसम, जैसे वर्षा ऋतु, गर्मी की ऋतु, तो अलग अलग जो मौसम आते हैं उसको हिंदी में ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? ऋतु, री से ऋतु। ठीक है बच्चों, अभी आपको मैं अगला शब्द बताती हूँ जो कि री से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, री से ऋण। ऋण क्या होता है? ऋण मतलब हम किसी से कोई भी पैसा कोई हमसे लेता है मदद के लिए, या हम किसी से लेते हैं और बाद में उसे लौटाने का वादा करते हैं, तो उसको हिंदी में ऋण कहते हैं। री से ऋण, री से ऋण, री से ऋण, री से ऋण, री से ऋण। तो समझे बच्चों, ये है अगला शब्द। और री से आपको एक और बात बताती हूँ, री से हम किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे गर्ल्स का नाम, क्योंकि गर्ल्स में रिचा नाम बहुत फेमस है, तो बहुत सारे गर्ल्स का नाम रिचा होता है जो कि री से शुरू होता है, जिसको री से लिखते हैं। तो री से रिचा, री से रिचा। जो देखा आपने कि कैसे हमने री से, स्वर री से शब्द सीखे कि री से क्या क्या होता है, और हमारे त्योहारों की क्या क्या खासियत होती है ये भी सीखा, है ना बच्चों। तो ये सारी हमारे भारत देश की खास खास बातें हैं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी है ना, संस्कारी बनना है, तो मेरे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे अच्छी अच्छी आदतें सीखेंगे और हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, है ना बच्चों, फल फ्रूट खाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ओके, प्रॉमिस, वेरी गुड, बाय। जो और हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? और त्यौहार होता है हमारा क्रिसमस का त्यौहार, तो क्रिसमस जिसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिसमस में क्या करते हैं? क्रिसमस में एक सुंदर सा अनोखा ग्रीन ट्री होता है जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है ना, उसको क्रिसमस ट्री ही कहते हैं। आप सबने देखा होगा उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर घंटियाँ, गोल गोल बॉल्स उसमें लटकाते हैं, है ना बच्चों। आप सबने देखा होगा कि क्रिसमस से पहले उस पेड़ की कितनी सजावट होती है सुंदर तरीके से, और सेंटा क्लॉज, सब सेंटा का इंतज़ार करते हैं कि सेंटा हमें आएंगे, गिफ्ट देंगे, चॉकलेट्स देंगे, केक देंगे, तो ये भी एक बहुत सुंदर त्यौहार है ना बच्चों। तो अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, है ना, जिसमें खूब मज़ा आता है। तो ये थे हमारे बहुत सुंदर सारे फेस्टिवल्स। तो ये थी जानकारी जो मैंने आज आपको फेस्टिवल्स के बारे में दी। ओके बच्चों, वेरी गुड। बच्चों अब हम आज का स्वर लिखना सीखेंगे। री, री से ऋषि, री से ऋषभ, कुछ लोग इसको रू भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिखना सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही एक बार यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ हम बिंदुओं की सहायता से अभ्यास करेंगे। पहले आड़ी रेखा बनाएंगे यानी स्लीपिंग लाइन, ऐसे, फिर एक सीधी रेखा ऐसे, फिर इन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक लाइन ऐसे ले जाएंगे नीचे की तरफ, फिर एक तिरछी रेखा ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर एक आड़ी रेखा छोटी सी ऐसे मध्य भाग से, इन दोनों के मध्य के भाग से, फिर इसको शून्य के आकार में ऊपर की तरफ घुमाएंगे जैसे जीरो लिखते हैं ऐसे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे थोड़ा तिरछा करते हुए,
फिर जैसे आप ABCD में सी लिखते हैं ना, देखिए ये बिल्कुल सी के आकार का है, जैसे ABC में सी लिखते हैं, तो इसको ऐसे आधा चांद भी कह सकते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा बन गया स्वर री। आइए बच्चों एक बार और अभ्यास करते हैं। आड़ी रेखा यानी स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा, ऐसे फिर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उभारते हुए फिर नीचे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। फिर एक और आड़ी रेखा ऐसे यहाँ तक, फिर इन दोनों के मध्य के भाग से आड़ी रेखा ऐसे निकालते हुए जीरो के आकार में घुमाएंगे, शून्य के आकार में, देखिए पूरा शून्य जीरो बन गया। फिर इसको नीचे की तरफ ले जाते हुए ऐसे, फिर ये फिर से सी के आकार में घुमाएंगे, जैसे आधा चांद होता है या ABCD में आप सी लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ले जाके यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप घर पे इसको लिखने का अभ्यास करेंगे ऐसे ही बिंदुओं की सहायता से।